हेलो गाइस, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में डीसी नोट के बारे में बात करने वाला हूं और आपके सामने सारी इमेजेस पड़े हुए हैं। 7 कंपनी का रहने वाला है डीसी नोट है। 8 पॉइंट और 4 पॉइंट में अवेलेबल रहता है। आज बेसिकली मेरे पास 4 पॉइंट वाले अवेलेबल है, उसी चीज़ को आज की वीडियो में आपको दिखाऊँगा। क्योंकि बहुत दिनों से आप लोग कह रहे थे कोई टेक्निकल वीडियो नहीं आ रही है, तो डेट्स वाई आई मेकिंग दिस वीडियो। यहाँ पर देख सकते हैं इनपुट पॉइंट्स 8 वोल्ट से 50 वोल्ट तक है। डबल आईसी लगी हुई है। 6 वोल्ट का मॉड्यूल है। सेंसिटिविटी -12 dBm तक है। और अगर इसके दूसरे साइड में अगर आप देखेंगे तो डीसी नोड 4 हाई आरएफ आउट के साथ भी अवेलेबल है। और इसका कुछ ओवरव्यू इस तरीके का है। अगर आप डिवाइस की तरफ अगर मैं लेकर आऊँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं आपका डीसी नोड। इस डीसी नोड से आप यूज कर सकते हैं केबल टीवी के सर्विसेज देने के लिए। यहाँ पे देखेंगे ऑप्टिकल इनका एक पॉइंट बना हुआ है। यहाँ पे आपका dBm दिखाने वाला है कि कितना पावर आ रहा है इस नोट पे। उस हिसाब से लाइट जल जाएगी। 12 वोल्ट का अडेप्टर लगा सकते हैं, डीसी इन कर सकते हैं। इसके साथ अगर दूसरे साइड में आप देखेंगे क्या 4 पॉइंट बने हुए हैं डीसी पावर पास के लिए, आउट वन आउट टू, और डीसी इन के लिए 3-4 बना हुआ है पॉइंट। तो कुछ इस तरीके का इस डिवाइस है। और अगर आप FTTH करना चाहते हैं, डीसी FTTH सर्विसेज के लिए है, यानी फाइबर थ्रू होम सर्विसेज के लिए ये डिवाइस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और काफ़ी आसानी से आप अपने ग्राउंड में सर्विसेज प्रोवाइड करने में बेहतर होगा। नोट तो आपने नॉर्मल वाला भी देखा होगा और डीसी FTTH नोट भी आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ। होप सो गाइस, ये प्रोडक्ट अच्छा लगा हो तो मार्केट में आप बहुत ईजिली परचेज कर सकते हैं, किसी भी कंपनी में आसानी से मिल जाएगा। होप सो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी तरीके का अपडेट पाने के लिए दोस्तों आप बेल आइकन पे भी क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक्स लॉट।